तो मैम 1.4 मिलियन जस्ट एक ही दिन में हो चुके हैं. सो हाउ इज द फीलिंग? इतना एक्साइटमेंट है आज. आई थिंक वी आर एमिंग फॉर मोर बिकॉज गाना बहुत बहुत सुंदर है और सूदिंग है. जिन्होंने भी सुना है उनके पास से मैंने सिर्फ एक ही चीज सुनी कि काफी टाइम बाद इतना अच्छा सूफी सॉन्ग सुनने मिला है. And that's all thanks to Sanjeev ji and Ajay ji. Their actually their combination is very good and mujhe se lag raha this is the best try because I think I have done two songs with them and I have got mujhe hamesha amazing response hi mila hai. So ab mujhe aise lag raha ki ye abhi shuruaat hai, aage aur badhega. I think it should cross 300-400 million. What do you say? Of course. अच्छा सॉन्ग की बात करें, काफी यू नो यूनिक सा सॉन्ग है, डिफरेंट है. सूफी सॉन्ग काफी टाइम बाद आ रहा है, तो उसके बारे में हमें बताइए. आई थिंक संजीव जी कैन टेल यू बेटर बिकॉज़ एक्चुअली आज के टाइम ना जब आप फुर्सत में होते हो तो आप लिरिक्स सुनना पसंद करते हो. आप दो तरह का म्यूजिक पसंद करते हो, या तो इसमें बीट है और आप नाचो, या फिर जो आप फील करोगे ये आपकी अपनी कहानी है. एंड जब आप प्यार करते हो ना तो आपको अपने लवर्स की आंखें ना दुनिया की सबसे ज्यादा प्यारी लगती है. एंड इस गाने की बड़ी अच्छी बात क्या है कि हमारी कास्टिंग इतनी प्यारी थी कि हमने रश्मि को कास्ट किया. इनकी आंखें डिजर्व करती हैं ये हुक लाइन. मैंने अभी इससे पहले भी बोला था कि एक जैसे नरगिस जो लाइन थी, हमने नरगिस एक्ट्रेस जो थी उनकी उसकी आंख से लिया एंड वो डिजर्व करती हैं रश्मि के साथ में. तो हर आइज इज टू ब्यूटीफुल, तो ये गाना इन पर सूट करता है. जो भी सुनेगा उसको मजा आएगा सुन के. सर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद रश्मि मैम? ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. एंड जब हम लोग कास्टिंग कर रहे थे instantly, मतलब रश्मि जी का वो आया, हमने कहा let's approach her and she is such a big artist and in की जो fan following है it's so crazy. मतलब मुझे अभी तक इतने messages आ रहे हैं इस गाने को लेके, you know, मतलब she has got a huge army behind her who are you know pushing the song all over because considering that it's a new label, new channel and getting 1.4 million views in one day is good, but we hope to cross hundreds of million by all of your love. But we had a great time shooting in Mathura. Yeah. It's a very beautiful place, Vrindavan. It's a very actually, nice place. But it wasn't easy, I would say, because this time pe bahut barish ho rahi thi. Hume ye jab shoot karne gaye the, thoda work lag gaya. He's not from India and he has his own commitment. So, un sari cheezon mein fir main nahi thi yahan par. So, time zyada lag gaya. But I think itni difficulty ke saath bhi the song is very simple, but yet it has its own beauty. And I would like to say one thing. Jab hum shoot kar rahe the, I think Rashmi ji ko she had a sprain in her leg also, and she's not well. But ye itni professional artist hai, matlab in spite of all the difficulties or time bhi extra lag gaya tha, I think ye kuch ghante bhi extra lag gaye the, she did it beautifully. Why enjoyed shooting? And ma'am, what was the first thing came in your mind when aapko pata chala ki you are going to do this song? मैंने कभी म्यूजिक एल्बम्स पे इतना ध्यान नहीं दिया था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट. मैंने ये गाना सुना, मुझे गाना बहुत अट्रैक्टिव लगा था एंड मैंने ना सिंगर पूछा ना डिटेल्स पूछी एंड आई वाज लाइक आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. क्योंकि म्यूजिक आप सुनते हो तो आपको पसंद आना चाहिए एंड आई थिंक ये गाना उतना ही सूदिंग है. इसके लिरिक्स बहुत अच्छे लगे थे एंड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक एक विद्या बालन जी का गाना है उनकी फिल्म का तेरे वास्ते दिल सूफियाना के बाद आई मस्ट हैव लाइक दिस सॉन्ग. जो मुझे शायद अगर मैं लूप पे भी लगाऊँ तो मुझे अच्छा लगे, नॉट बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इट बट आई मीन प्रैक्टिकल आई एम टेलिंग यू गाइस. एंड जिस तरह से शूट किया है उसे, वो बहुत ही सिंपल वे में से शूट किया था. आई वॉज इन श्योर कि मैं करूँ या नहीं करूँ, बट आई एम ग्लैड दैट आई टुक द डिसीजन टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ओके, संजीव सर आपसे बात करते हैं, इसके जो लिरिक्स हैं वो काफी स्मूथ, सॉफ्ट और यू नो सूदिंग है, तो ये आइडिया आपको कैसे आया? यार लिरिक्स लोग बोलते हैं ना कि मैं पहाड़ पे जाके कर लिखूंगा, मैं झरने में बीच में जाके लिखूंगा. मैं कभी अपने स्टूडियो के बाहर जाके लिरिक्स नहीं लिख पाता. हम लोग बैठते हैं अजय और हम बैठ के शुरू करते हैं, एक कॉर्ड लगाते हैं, गाना बन जाता है. सुनने में अजीब लगेगा पर कुछ कुछ गाने हमारे दो दो मिनट में लिरिक्स एंड कंपोजिशन के साथ रेडी होते हैं ऐसा. तो अभी ऐसा लगता है कि जैसे कि चिप है कोई अंदर या इनबिल्ट है. To us, it's very easy job to write and compose a song. No, I think you said it in a very smooth way, but it's actually true कि एक mood और सब कुछ बनाना, and ये मैंने on set देखा हुआ है, their comfort and the way they actually create music is very very interesting. क्योंकि set पे बैठकर मैंने ये चीजें देखी जहाँ पर वो दूसरे नए गाने के लिए काम कर रहे थे और उस गाने के लिए story और feel और वो कुछ लाइनें उन्होंने अजय जी ने इनके साथ बात की एंड देन ही वाज टॉकिंग अबाउट सम सूट व्हिच आई हैव नो आइडिया अबाउट बट देयर
कंफर्ट एंड देयर स्ट्रेंथ टुगेदर इज माइंड ब्लोइंग. ओके मैम, इस ढिंचैक एरा में, मतलब आजकल डिस्को ये सब काफी चल रहा है, सूफी सॉन्ग को इतना लाइक कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज को? आई थिंक ढिंचैक एरा का एक टाइम आता है, और आई थिंक कोविड में बहुत सारे लोग थे जिनको इतना क्योस नहीं पसंद आता था. समवेयर यू वॉन्ट टू ईज डाउन एंड पीपल एक्चुअली लाइक दीज काइंड ऑफ सूदिंग सॉन्ग. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ी प्रैक्टिकली बात करूँ तो जितने लव सॉन्ग्स हैं ना वो मुझे एक्चुअली सैड सॉन्ग्स लगते हैं, और जितने सैड सॉन्ग है ना वो एक्चुअली इतनी फीलिंग्स देते हैं आपको विच हैज़ लॉट ऑफ मीनिंग एंड डीप मीनिंग टूवर्ड्स योर लाइफ, द वे यू लुक एट थिंग्स. एंड ये जो गाने के लिरिक्स है, एक लाइन है, तेरी आंखों का इशारा कातिलाना, तेरे इश्क में ये सूफियाना, एंड सम देयर आर फ्यू लाइंस व्हिच यू कैन कनेक्ट, क्योंकि सबको प्यार नहीं मिलता है और आपका पहला प्यार तो ऐसे ही छूट जाता है, सो यू कैन समवेयर रिलेट. एंड आई नो दैट कि इतना क्योटिक सबको नहीं चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे यू वॉन्ट टू लिसन टू द म्यूजिक जो आप बार बार सुन सकते हो. और मैं तो लूप पे लगा के सुनने वाली लड़की हूँ, तो मुझे एक गाना अगर पसंद आ गया तो मैं अटक जाती हूँ. ओके, आपकी अटायर, आपके ड्रेसेस के बारे में बात करते हैं, काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी यूनिक है, ट्रेडिशनल भी है लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स में दिखाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में बात करिए कि किसका आइडिया था? दिस इज फॉर संजीव सर ऑल्सो. आई थिंक इट्स बोथ ऑफ देम, मोस्टली आई थिंक संजीव जी, बिकॉज ही हैड अ विजन एंड उसी को एज इट इज उतारा है. स्टोरी वाज वेरी सिंपल. जब आप कहानी बनाते हो और आप किरदार को सोचते हो ना, तो जो एक्सप्लेन इनको किया गया रश्मि जी को, जो इन्होंने एक्ट किया वो एक्सप्लेनेशन से 100 गुना ज़्यादा बेस्ट था. तो वी वर वेरी एक्साइटेड, एंड जैसा हमने शुरू में कहा कि एक्टिंग इनकी शायद अभी बॉलीवुड और यूटिलाइज करे, जो इनकी स्ट्रेंथ है वो अभी तक शायद नहीं हुई. शी इज़ ट्रमेंडस एक्ट्रेस, इनकी एक्सप्रेशन एक्टिंग स्किल बहुत कमाल की है. एंड आगे हम अगर कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, वेब सीरीज या फिल्म जो हम प्लानिंग कर रहे हैं करके, तो आर फर्स्ट चॉइस विल बी द रश्मि. आई एम साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट टुडे इटसेल्फ. मैम, आपके सॉन्ग के साथ एक और सॉन्ग आया तेजस्वी एंड करण का, क्या आपने वो सॉन्ग देखा, कैसा लगा सॉन्ग? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ना तेज रंग का गाना, बिग बॉस 15 के घर के बाहर पहली बार तेज रंग का गाना, आपको कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा. आई थिंक ये मैं कल बता चुकी हूँ. आई डोंट नो, मैं बस ये बोलना चाहूंगी दे आर फैबुलस टुगेदर एंड माय बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ देम. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? Like I said, let the right time come, I will talk about it. Thank you so much. Thank you. इने केटली बार तो रोक लिया, ये बद्दू इस फुट से बने हो ना, हमारी चरम कुटली पर पूछ वाला छे बने रोज भाई. एक लाइन दो लाइन हो जाए मैं ये जब थोड़ा काट दिया करो. कल भी मैंने आप लोग को डांटा तो मैंने बोला मत डांटो, मत डालो, मत डालो, फिर डाल दिया. नहीं, जो बोले तो उनका चैनल तेरे इश्क में जिहादी हो गया, तेरे वास्ते हुआ है शायराना, तेरी आंखों का इशारा कातिलाना है कातिलाना, तेरी आंखों का इशारा कातिलाना है कातिलाना. खराब आ रहे हैं प्रतीक्षा में इधर तो का एक मिनट लुक एट राइट क्लिक कम क्लोज मारा 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 मेरे को 15 करना बंद लो. Thank you. Thank you. Alex, I'm here. ये पिछले में थोड़ा लाइट आ रहा है.
थैंक यू थैंक यू थैंक यू.